कोयला श्रमिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर कोयला श्रमिक सभा ने एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एनसीएल मुख्यालय सहित सिंगूरदा, दुद्दीचुआ, जयंत, निगाही, अमलोरी, गौरबी, बीना, ककरी खड़िया, कृष्णाशिला परियोजना के जीएम ऑफिस के सामने कोमल श्रमिक सभा ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने 21 सूत्रीय मांग पत्र एनसीएल के अधिकारियों को सौंपा, जिसमें पार्क स्टेडियम नाली कचरे से निजात दिलाने और सेम काम सेम पेमेंट दिया जाने, आवास आवंटित सहित कई अन्य मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है। कोमल श्रमिक सभा के नेता भी एनसीएल के रीति नीति को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट कर्मचारियों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर प्रबंधन से लगातार चर्चा करता रहा, लेकिन प्रबंधन कभी उस बारे में नकारात्मक सोच नहीं की। आज मुझे आंदोलित होकर धरना देना पड़ा और उसमें मेरी मुख्य मांग ये है कि कंपनी के आवास की एक नियम है जो मुख्यालय से गाइड होती है कि वरीयता के आधार पर कर्मचारियों को आवास आवंटन करना, लेकिन यहाँ के प्रबंधन और कुछ यूनियनें मिलकर इसमें बंदर बांट कर रहे हैं। सीनियर कर्मचारी को आवास नहीं मिल रहा है, जूनियर कर्मचारियों को आवास आवंटन किया जा रहा है। इसमें बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने यह कदम को में रोक भी रखा, इसलिए संगठन आंदोलित होकर यह धरना के लिए आज सुनिश्चित किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।